दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा बस के बाहर की तरफ बड़े बड़े स्टिकर लगे होते हैं किसी कंपनी के या फिर किसी फिल्म के एडवर्टाइजमेंट के। उसी प्रकार के स्टिकर आपने ट्रेन के बाहर भी देखे होंगे और आपने ऐसा भी देखा होगा कि बहुत सारी दुकानों के अंदर दीवारों के ऊपर बड़े बड़े स्टिकर लगे होते हैं, काउंटर के ऊपर लगे होते हैं, फर्नीचर के ऊपर लगे होते हैं। तो ये जो स्टिकर्स होते हैं इनको कहते हैं विनाइल स्टिकर। अब दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि इनको बनाया कैसे जाता है, अगर कोई इनका बिजनेस कर रहा है तो उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट मार्जिन होता होगा? तो मैं आपको बता दूं इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर 50% से लेकर 200% का प्रॉफिट मार्जिन होता है। इसके अलावा इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आप जो मशीन खरीदेंगे उससे आप सिर्फ विनाइल स्टिकर ही प्रिंट नहीं कर सकते, उससे आप फ्लैक्स बैनर भी प्रिंट कर सकते हैं, फैब्रिक के ऊपर भी प्रिंट कर सकते हैं, बैकलाइट के ऊपर भी प्रिंट कर सकते हैं और भी बहुत सारी जगहों पे आप प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि आप विनाइल स्टिकर का बिजनेस कैसे कर सकते हैं, अगर आप बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्लैक्स बैनर के ऊपर भी एक डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, साथ ही साथ मैं फैब्रिक के ऊपर प्रिंट करके आप बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं उसके ऊपर डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। जिस भी टॉपिक के ऊपर जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना ही जल्दी मैं वीडियो बनाकर चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। लेकिन आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं विनाइल स्टिकर बिजनेस के बारे में कि अगर कोई इस बिजनेस को शुरू करना चाहता है तो उसको कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो यूट्यूब चैनल। दोस्तों विनाइल स्टिकर मेकिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड आज के टाइम में मार्केट में जबरदस्त है और आने वाले कई सालों तक इस बिजनेस की डिमांड रहने वाली है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये ब्रांडिंग से जुड़ा हुआ बिजनेस है। जिस भी कंपनी को अपने ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ानी है तो उसको ब्रांडिंग करवानी पड़ेगी और जहां कहीं भी ब्रांडिंग की जरूरत पड़ेगी वहां पे ऐसे स्टिकर्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो अगर आप चाहें तो इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और मैं आपको बता दूं इसको शुरू करने के लिए आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होगी और बहुत बड़ी जगह की भी जरूरत नहीं होगी। अगर आपके पास एक मीडियम लेवल का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और साथ ही साथ में एक छोटी सी जगह है तो वहां पे भी आप इस बिजनेस को कर पाएंगे और अच्छे खासे पैसे कमा पाएंगे। अब कितने पैसे कमा पाएंगे और साथ ही साथ में कितने इन्वेस्टमेंट में इसको शुरू किया जा सकता है वो सब इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी विनाइल स्टिकर बनाकर बेचने का बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसको किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहला मशीनरी एंड इक्विपमेंट। देखिए दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको दो मशीन की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहला है विनाइल प्रिंटिंग मशीन। ये जो मशीन होती है इसकी प्राइस शुरू होती है 2 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक। लेकिन प्राइस जितनी सस्ती होगी उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी उतनी कम होगी, प्राइस जितनी महंगी होगी उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। अगर मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से बताऊं तो आप 2-2.5 लाख रुपए वाली मशीन लेंगे तो 1 घंटे के अंदर आप लगभग 140 स्क्वायर फुट का जो एरिया होता है या उतना जो पेपर होता है उसको आप प्रिंट कर पाएंगे। वहीं दोस्तों अगर आप 9 से 10 लाख वाली मशीन लेते हैं तो आप 2,800 स्क्वायर फुट का जो एरिया होता है या जो पेपर होता है उसको आप प्रिंट कर पाएंगे। उसी प्रकार अगर आप और बड़ी मशीन लेते हैं तो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी और भी ज्यादा होने वाली है। सो दोस्तों आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कौन सी मशीन लेनी चाहिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको 9 से 10 लाख वाली मशीन लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है इनिशियली आपको उतना ज्यादा काम ना मिले लेकिन अगर अचानक आपको बड़ा काम मिल जाता है तो इस मशीन की मदद से आप उसको पूरा कर पाएंगे। अगर आप छोटी वाली मशीन लेंगे तो शायद बड़े काम को आप इजीली पूरा नहीं कर पाएंगे, उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। दूसरी मशीन, आपको एक कंप्यूटर की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए दोस्तों, जो विनाइल प्रिंटिंग मशीन है उसके अंदर आपको जो भी डिजाइन प्रिंट करनी है सबसे पहले उस डिजाइन को आपको कंप्यूटर के अंदर बनाना होगा और उसके बाद में जब आप कमांड देंगे तभी वो विनाइल पेपर के ऊपर प्रिंट करेगी। तो दोस्तों इसके लिए आपको इस चीज की भी जरूरत पड़ने वाली है। ये आपको आसानी से मिल जाएगा मार्केट में 25,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए के बीच में। इसके अलावा अगर आप सेकंड हैंड लेते तो और भी सस्ता हो सकता है, और अगर आपके पास पहले से लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। दूसरी चीज जिसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है वो है रॉ मटेरियल। देखिए दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर 2 ही रॉ मटेरियल ऐसे हैं जिनको आपको रेगुलर बेसिस पे खरीदना होगा, जिनमें सबसे पहला है विनाइल स्टिकर रोल और दूसरा है इंक। अब ये जो इंक होता है इसको क्या बोलते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट बेस्ड पिगमेंट इंक। अब दोस्तों अगर मैं विनाइल स्टिकर रोल की बात करूं तो ये आपको मार्केट में पर स्क्वायर फुट के हिसाब से 4 रुपए से लेकर 5 रुपए तक मिल जाता है। अब दोस्तों इसके अंदर भी साइज के हिसाब से मिलता है, जैसे कि 6 फिट का आता है, 8 फिट का आता है, 10 फिट का आता है। तो आप जो भी मशीन खरीदने वाले हैं उसके हिसाब से आपको रोल खरीदने होंगे। जो मशीन के बारे में मैं आपको बता रहा था, मतलब जो 9 से 10 लाख की आती है उसके अंदर जो रोल लगता है वो लगभग 10 फिट का होता है, और इस 10 फिट में से आप 9 से 9.5 फिट के ऊपर प्रिंटिंग कर सकते हैं। आसपास का जो एरिया होता है वो आपको ब्लैंक छोड़ना पड़ता है ताकि कहीं भी अगर आपको चिपकाना हो, फोल्ड करना हो तो इजीली किया जा सके। अब अगर हम बात करें इंक की तो ये मार्केट के अंदर आपको 800 रुपए से लेकर 1,000 रुपए पर लीटर तक मिल जाती है। अब 1 लीटर के अंदर आप कितने एरिया को प्रिंट कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब हम प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे तब इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तीसरी चीज जिसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है वो है स्पेस। देखिए दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास कम से कम
200 स्क्वायर फुट से लेकर 250 स्क्वायर फुट की जगह होनी चाहिए, ताकि आप सबसे पहले मशीन को सेटअप कर सको, आपका जो तैयार माल है उसको रख सको, और साथ ही साथ में जो आपका रॉ मटेरियल है उसको भी रख सको। तो इतने स्पेस की जरूरत आपको पड़ने वाली है। और दोस्तों, अगर मैं एम्प्लॉयज की बात करूं तो इस बिजनेस के लिए इनिशियली आपको एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इनिशियली आपके पास बहुत ज्यादा काम होगा नहीं। आप अकेले ही कंप्यूटर के अंदर कमांड भी दे सकते हैं और साथ ही साथ में मशीन के अंदर प्रिंटिंग का काम भी कर सकते हैं। एक बार जब आपके पास ऑर्डर आने लग जाए, बहुत ज्यादा काम आने लग जाए, तो उसके बाद में आप एम्प्लॉय को भी हायर कर सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर बिजनेस में आपको एक या दो एम्प्लॉय से ज्यादा की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। चौथी चीज जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो है डॉक्यूमेंटेशन। देखिए दोस्तों, इस बिजनेस के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करना होगा। कंपनी का रजिस्ट्रेशन आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हैं, एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और उसके बाद में आपको ट्रेड लाइसेंस लेना होगा, जिसको महाराष्ट्र में गुमास्ता कहते हैं, कहीं कहीं पे शॉपेक लाइसेंस भी कहते हैं। इसके अलावा आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत पड़ेगी, अगर आपका साल का टर्नओवर 20 लाख के ऊपर चला जाए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप कॉर्पोरेट से काम लेना चाहते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जो ऐसे वेंडर्स के साथ काम करना पसंद करती है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं और जिन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करवाया होता है, तो उनको जीएसटी बिल की जरूरत पड़ती है। तो अगर इस बिजनेस को आप शुरू करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन ये होगा कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करवा लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपको मशीन खरीदनी होगी। मान के चलते आपने 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी और उसके बाद में आपको रॉ मटेरियल भी खरीदना पड़ेगा, तो रॉ मटेरियल का मैं पकड़ लेता हूं 50,000 रुपया, क्योंकि किसी भी वेंडर के पास आप जाएंगे, उसको बोलेंगे कि मुझे रोल चाहिए और इंक चाहिए, तो कम से कम आपको उससे 30,000, 50,000, 1 लाख रुपए का माल लेना होगा। अगर आप उसको बोलेंगे 1 लीटर मुझे इंक दे दो या फिर 1 रोल दे दो, तो वो आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। इसीलिए मैंने 50,000 पकड़ा है, तो टोटल हो जाता है 10.5 लाख रुपया। उसके बाद में दोस्तों, आपको फैक्ट्री सेटअप करना पड़ेगा। अगर जगह आपकी खुद की है तो बहुत अच्छी बात है, अगर जगह खुद की नहीं है तो आपको रेंट पे लेना होगा, उसके लिए आपको डिपॉजिट भी पे करना होगा, तो उसका मैं पकड़ लेता हूं 1 से 1.5 लाख रुपया, तो यहां पे टोटल हो जाता है 12 लाख रुपया। उसके बाद में दोस्तों, आप फैक्ट्री को सेटअप करेंगे, उसमें भी आपका 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपया जाने वाला है, तो यहां पे टोटल हो जाता है 13 लाख रुपया। तो दोस्तों, 13 लाख रुपए के अंदर आपका पूरा बिजनेस सेटअप हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में भी आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, ताकि आप अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सको। फ्यूचर में भी आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, तो उसके लिए भी आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों, आप मान के चलिए आपके पास कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। तो ये बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 14 से 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। लेकिन फिर भी कोई लोग कम बजट में शुरू करना चाहते हैं तो वो सस्ती वाली मशीन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आपने 2 लाख वाली मशीन ले ली, तो यही बिजनेस को आप 5 से 6 लाख रुपए में भी शुरू कर सकते हैं। पर मेरा सजेशन है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको 10 लाख वाली मशीन के साथ जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं प्रॉफिट मार्जिन के बारे में, कि अगर कोई भी ये बिजनेस शुरू करता है तो वो कितने पैसे कमा सकता है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं कि पर स्क्वायर फीट को बनाने का कॉस्ट क्या पड़ता है। तो दोस्तों, बनाने के कॉस्ट से पहले मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि मार्केट के अंदर आप अगर इस तरीके का विनाइल स्टिकर प्रिंट करवाने जाएंगे तो वहां पे आपको जो कॉस्टिंग पड़ती है वो पड़ती है 15 रुपए से लेकर 25 रुपए पर स्क्वायर फुट के हिसाब से। अब मेकिंग कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इसके अंदर आपको दो ही चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहला तो होगा आपका विनाइल स्टिकर, इसका मैंने आपको कॉस्टिंग ऑलरेडी बता दिया है कि पर स्क्वायर फुट का आपका पड़ता है 4 रुपए से लेकर 5 रुपए के बीच में, तो यहां पे मैं 5 रुपए पकड़ लेता हूं। उसके बाद में दोस्तों, आपको इंक की जरूरत पड़ेगी। अभी ये जो इंक है, इसका प्राइस मैंने आपको बताया था कि 1 लीटर का पड़ता है 800 रुपए से लेकर 1,000 रुपए के बीच में। तो हम मान के चलते आपने 1,000 रुपए वाली इंक खरीदी और 1,000 रुपए की जो इंक है उसमें आप लगभग 250 स्क्वायर फुट का जो एरिया होता है उसको प्रिंट कर सकते हो। तो अगर मैं 1,000 को 250 से डिवाइड कर दूं तो आंसर आएगा 4। मतलब दोस्तों, 1 स्क्वायर फुट को प्रिंट करने के लिए आपका कॉस्टिंग पड़ेगा 4 रुपया, तो 5 और 4 हो गया 9 रुपया। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, लेबर कॉस्ट और भी चीजों को अगर आप जोड़ देंगे तो मैक्सिमम होगा 2 रुपया। मतलब 1 स्क्वायर फुट को जो मेकिंग कॉस्ट आपका पड़ता है वो पड़ता है 11 रुपया, और इसको आप मार्केट में बेच सकते हो 15 रुपए से लेकर 25 रुपए के बीच में। अब दोस्तों, मैं मान के चलता हूं कि पर स्क्वायर फुट के ऊपर अगर आपको 10 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन भी होता है, तो आपको अगर दिन के अंदर 500 स्क्वायर फुट का काम भी मिलता है तो आप 5,000 रुपए आसानी से कमा सकते हैं। 500 का नहीं मिलता है, 200 स्क्वायर फुट का भी मिलता है तो आप 2,000 रुपए कमा सकते हैं। अब मान लीजिए 200 का भी नहीं मिलता है, 100 स्क्वायर फुट का भी मिलता है, तो फिर भी आप 1,000 रुपए तो आसानी से कमा पाएंगे। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, मान लीजिए कोई आदमी आपके पास आता है और बोलता है कि मुझे छोटा सा एरिया प्रिंट करवाना है, तो उस केस में आप पर स्क्वायर फुट के हिसाब से चार्ज मत कीजिए, उसको आप लमसम बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी आपको डील देती है कि हमारे ऑफिस में लगभग 400 स्क्वायर फुट का एरिया को आपको स्टिकर बनाकर देना है, या फिर 500 स्क्वायर फुट का एरिया या 1,000 स्क्वायर फुट का एरिया, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उनको पर स्क्वायर फुट के हिसाब से डील दे सकते हैं और इस बिजनेस से पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आप यूं मान के चलिए जितने पैसे आप इन्वेस्ट करने वाले हैं वो लगभग आपके 1 से 2 साल के अंदर रिकवर हो जाते हैं।
इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप ये बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो इस बिजनेस को रेसिडेंशियल एरिया में शुरू मत कीजिए, ऐसे एरिया में शुरू कीजिए जहां पे ज्यादा इंडस्ट्रीज हो या फिर कमर्शियल एरिया ज्यादा हो। तो वहां पे अगर आप शुरू करेंगे तो एक तो आपका नेटवर्क जल्दी बनेगा और जितना ज्यादा आपका नेटवर्क बनेगा उसी के हिसाब से आपको जल्दी जल्दी ऑर्डर आना भी शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आप मशीन खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक वेंडर का डिटेल दे दिया है, आप उनसे खरीद सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इंडिया मार्ट की वेबसाइट पर जाकर खुद भी सर्च कर सकते हैं, आपको जिनसे भी खरीदना है उनसे खरीद सकते हैं और इस बिजनेस को शुरू कर सकते। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए पूछिए, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर नए कमाने के तरीकों के साथ।